हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ अप्पे। आइए चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये मैंने 1 कप सूजी लिया है, हम आधा कप और सूजी ले लेंगे। ये मैंने आधा कप दही लिया है, इसको डाल देंगे। और ये मैंने 1 कप पानी लिया है, इसको डाल देंगे। अब हम इसको मिला देंगे अच्छे से। इसमें बैटर भी थोड़ा सा पतला है, अभी हमें 10-15 मिनट के लिए सूजी को रखना होगा फूलने के लिए, उसके बाद ये अपने आप ही सेट हो जाएगा। अब सूजी को हम 15 मिनट के लिए रख देंगे। मैंने शिमला मिर्च लिया है, शिमला मिर्च को मैंने अच्छे से धो के काट लिया है, इसके बीज भी निकाल दिया है। फिर मैंने 2 गाजर लिया है, इन सबको मैं काट लूँगी। सब्जी को हमें बारीक बारीक काटना है और गाजर को हम कद्दूकस करेंगे। देखिए मैंने सब्जियाँ काट ली हैं, ये मैंने शिमला मिर्च को एकदम छोटा छोटा काटा है और गाजर को कद्दूकस कर लिया है। ये मैंने आधा पत्ता गोभी लिया है, पत्ता गोभी को मैंने घस लिया है। और ये मैंने कॉर्न लिया है, कॉर्न को मैंने नमक डाल के उबाल लिया है। तो सूजी को देख लेते हैं। ये देखिए सूजी हमारी अच्छे से फूल गई है और गाढ़ी भी हो गई है। अब इसमें हम सब्जियां डाल देंगे जो हमने काट के रखी थी। ये मैंने जो शिमला मिर्च रखा था इसको डाल देंगे आधी, और ये मैंने गाजर जो कद्दूकस करके रखा था इसको भी डाल देंगे आधा। ये कॉर्न लिया था इसको डाल देंगे आधा, और ये पत्ता गोभी को कद्दूकस करके रखा था इसको डाल देंगे। सारी सब्जियों को हम अच्छे से मिला देंगे। अभी मैंने इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं डाला है, पहले हम इसको मिला लेंगे उसके बाद नमक वगैरह डालेंगे। अगर हमें बैटर पतला लगे तो इसमें थोड़ा सा और सूजी मिला लें। ये देखिए मैंने सब्जियों को अच्छे से मिला दिया है। अब चलिए इसमें नमक वगैरह डालते हैं। 1 चम्मच नमक डाल देंगे इसमें, आधा चम्मच और डाल देंगे पिज्जा सीजनिंग है इसको डाल देंगे थोड़ा सा। और मैंने ये पीरी पीरी मसाला लिया है इसको डाल देंगे। इसमें लहसुन मिर्ची सारा है, ये थोड़ा सा तीखा होता है, हम इन सबको मिला देंगे हम अच्छे से। ये देखिए बैटर हमारा गाढ़ा हो गया है सब्जी डालने के बाद। हमारा बैटर बनके तैयार है। अब चलिए हम अप्पे बनाते हैं। सबसे पहले हम इसमें तेल लगा देंगे थोड़ा थोड़ा ब्रश की सहायता से। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप कपड़े की सहायता से भी तेल लगा सकते हैं। हम चीज़ अप्पे बनाएंगे तो पहले हम इसमें थोड़ा सा बैटर डालेंगे। मैंने बैटर में चिली फ्लेक्स नहीं डाला है, मेरे पास चिली फ्लेक्स नहीं था तो मैंने बैटर में चिली फ्लेक्स नहीं डाला है। अगर आपके पास है तो चिली फ्लेक्स डाल दीजिएगा। मैंने इसमें पिज्ज़ा मसाला और पीरी पीरी मसाला डाला है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चाट मसाला डाल दीजिए और काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए तो भी अच्छे से बन जाएगा ये। कोई ज़रूरी नहीं कि हम पिज्ज़ा मसाला और ये सब मसाला डाल के बनाएं। मेरे पास था तो मैंने डाल दिया था। ये मैंने बैटर डाल दिया है। अब इसमें मैंने देखिए मैंने चीज़ लिया है, इसको मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। अब इसको हम ऐसे बीच में रख देंगे, हमें छोटे छोटे पीस काट के ही रखना है, ज़्यादा बड़ा रखेंगे तो ये बाहर से निकलेगा। ये देखिए मैंने चीज़ डाल दिया है। अब इसके ऊपर से हम बैटर डाल देंगे फिर से। अगर आप सबको आज के हमारे वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करेंगे प्लीज़। और कमेंट बॉक्स में भी बताएं कैसी लगी रेसिपी आप सबको। हमने जो बैटर बनाया है इसमें हम कद्दूकस करके चीज़ डाल सकते हैं और मिला दें बैटर को फिर। ये देखिए बैटर मैंने डाल दिया है सब में और ऊपर से ऑयल भी डाल दिया है। अब इसको हम ढक देंगे। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, तेज़ नहीं रखना है। अप्पे को हम देख लेंगे, फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। ये देखिए एक साइड से हो गया है, इसको हम पलट देंगे। देखिए सारे अप्पे हमारे एक साइड से हो गए हैं। आप पलट के एक बार थोड़ा सा ऑयल और डाल दीजिएगा ऊपर से, ऊपर से नहीं साइड साइड से। आप ब्रेकफास्ट में या शाम के नाश्ते में आप अप्पे बना सकते हैं, फटाफट बन के तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप इसको कटोरी में भी बना सकते हैं। अब इसको हम दोबारा से ढक देंगे, फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। अप्पे को एक बार चेक कर लेते हैं दूसरी साइड हो गया है या नहीं। ये देखिए अभी थोड़े थोड़ा रह गया है, ये हल्का हल्का भी और हो जाए, अप्पे थोड़े से और हो जाएँ तो हम निकाल लेंगे अप्पे को। जो बीज में हमारा वो फटाफट हो जा रहा है, पर इसमें अभी थोड़ा सा ये रह गया है। ऊपर से देखिए अच्छे से हो गया है, जो बीच वाले होते हैं वो फटाफट हो जाते हैं। एक बार हम इसको ढक देंगे दोबारा से, अप्पे को हम एक बार देख लेते हैं फिर से। ये देखिए अप्पे हमारे बनके तैयार हो गए हैं, दोनों साइड से हो गए अच्छे से। अब इसको हम निकाल लेंगे, फ्लेम को एकदम मीडियम कर देंगे। आप चम्मच की सहायता से निकाल लीजिए। हम एक बार फिर से तेल लगा देंगे मोल्ड में। अब बैटर डाल देंगे हम, ऊपर से हम तेल डाल देंगे, हम ढक देंगे इसको। फ्लेम को हमें कम ही रख के पकाना है, नहीं तो ये जल जाएगा। अप्पे को हम चेक कर लेंगे, हमें सेम प्रोसेस में ही बनाना है। ये देखिए एक साइड से हो गया है, इसको हम पलट देंगे।
ये देखिए हमारे सारे अप्पे अच्छे से हो गए हैं, मैंने पलट दिया है, अब दूसरी साइड भी अच्छे से हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं अप्पे हमारे हो गए हैं। ये देखिए अप्पे हमारे सारे बनके तैयार हो गए हैं। अब गैस को बंद कर देंगे, प्लेट में निकाल लेंगे हम अप्पे को। एक बार आप सब भी ट्राई देखिए, मेरे सारे अप्पे बनके तैयार हो गए हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, ये चीज़ वाला अप्पे है, मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ। मैंने बहुत थोड़ा डाला है इसलिए इसमें इतना चीज़ पता ना। ये देखिए ये चीज़ वाला अप्पे है। अब बच्चों के लिए बनाना चाहें टिफ़िन बॉक्स के लिए तो बनाने में बहुत आसान है। अब आपको मैं प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए अप्पे बनके तैयार हो गया है, जितना देखने में अच्छा लग रहा है खाने में भी उतना टेस्टी है। आप एक बार बच्चों को भी बना के टिफ़िन में दीजिएगा, बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा, चीज़ वाला काफ़ी पसंद आएगा। आप सब भी एक बार ट्राई करिएगा बना के। अगर आप सबको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि आज की रेसिपी आप सबको कैसी लगी, और बेल आइकन को भी आप प्रेस करिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।